हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम अतुल शर्मा, सबका स्वागत करता हूँ। तो काफ़ी दिनों बाद आज मिल रहे हैं, क्योंकि काफ़ी दिनों सवाल आ रहे थे कि भैया आईपीएस क्लर्क मेंस के बारे में कुछ बताओ, उसकी स्ट्रैटेजी के बारे में कुछ बताओ। देखो, स्ट्रैटेजी ऐसी कुछ खास नहीं होती है, ऐसे भी दिन तो कम रहे एग्जाम में, मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 10 दिन बाकी हैं अगर 10 दिन कहूँ तो मैं। और ये 10 दिन शायद आप बदल सकते हो अपने रिजल्ट को और आने वाले टाइम को, कि आप क्या परफॉर्म करोगे वहाँ पर और आपका स्कोर क्या हो जाएगा वहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे मुश्किल सब्जेक्ट की, मुझे लगता था जीए की। देखो, जीए आपने अभी तक जो पढ़ा वही काम आता है, ऐसा नहीं कि 10 दिन में आप बहुत कुछ भर ले जाओगे मुंह में। बट हाँ, कुछ चीज़ें मैं आपको बता सकता हूँ जो आप कर सकते हो, ऐसा जो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी जीए में आगे आने वाले टाइम में। पहला तो रिविजन करो, और रिविजन के लिए क्या है कि मंथ वाइज बांट लो कि अगले 2 दिन मैं ये वाला महीना करूँगा, अगले दिन मैं 2 दिन ये वाला महीना करूँगा, ऐसे करते करते बांट लो। और जैसे अभी मान लो कि चल रहा है, अभी सेप्टेम्बर चल रहा है ना, तो सेप्टेम्बर अक्टूबर में अभी पर आपको अक्टूबर 7 को, तो सितंबर 20 तक कर लो मेरे अकॉर्डिंग, सितंबर 20 तक। तो जून जुलाई अगस्त सितंबर मई से कर लो, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, ये 5 महीने मतलब 4.5 महीने के आसपास कर लो, ये काफ़ी रहेगा मेरे अकॉर्डिंग, इतना इनफ है। ठीक है, अब बात करते हैं, जैसे मैंने बताया आपको सिर्फ महीने वाइज बांटो और 10 दिन में चाहे 2 दिन में 1 महीना करो, ऐसे करके आप कर सकते हो। ठीक है, अब उसके बाद क्या है कि इसमें आप क्या ऐड ऑन कर सकते हो, एक जो गौरव कंसल वाले हैं बेस्ट 300, उसमें आप उनको डेली सुनो, जैसे जिस महीने की आप प्रैक्टिस कर रहे हो, जिस महीने को आप रिवाइज़ करो, उसको उस दिन सुनो, पूरा सुनो, फिर अगले दिन फिर सुनो उसको पूरा। ये चीज़ ज़रूर करो कि उसको अगर बार बार सुनोगे ना आप, तो वो आपकी मेमोरी में छप जाता है, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो आपको डेफिनेटली याद रहेंगे, और उनसे रिलेटेड चीज़ें भी आपको याद रहेंगी। तो वो एक चीज़ ज़रूर सुनो, प्लस क्विजेस लगाओ, प्रैक्टिस मॉक पे आपको क्विजेस मिलेंगी, वीक वाइज मिलती है, हर वीक की 2 क्विजेस मिलेंगी, वो क्विज लगाओ, वो इंपॉर्टेंट है और वो बहुत आपकी हेल्प करेंगी जीए में। ठीक है जी, जीए को साइड करते हैं, जीए काम हो गया। अब बात करते हैं क्वांट की। क्वांट के लिए बहुत सारे लोगों का सवाल आ रखा था कि भैया क्वांट कैसा आता है, लेवल कैसा होता है, मुश्किल होता है, आसान होता है, आरआरबी पीओ के मुकाबले कैसा होता है। देखो, आरआरबी पीओ के मुकाबले मुझे लगता है वैसा ही कुछ क्वांट होता है, क्वांट ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, और पिछले साल शायद क्वांट आसान ही आया था, उससे पिछले साल भी आसान आया था, तो इस साल लेकिन काफ़ी पेपरों में क्वांट मुश्किल आ रहा है, तो हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आए, बट आपने घबराना नहीं है। देखो, 50 नंबर का आएगा क्वांट मेरे ख्याल से, और 50 में अगर आप 30-32 बना लेते हो तो काफ़ी अच्छा स्कोर है, ऐसा नहीं कि वो बुरा स्कोर है। तो 30-32 का आप रखो एवरेज, कितना हमने बनाना है, और 30-32 बन जाते हैं, मेरे ख्याल से लास्ट ईयर 40 बनाए थे, और 30-32 का आप सोचोगे तो बन जाएंगे। और करना क्या है उसमें आप लोगों को भी, अभी देखो आपने सारा कुछ तो बढ़ ही लिया है, ठीक है, बट अगर फिर भी आपको कहीं ना कहीं कमी लगती है, तो मैं हमेशा ही कहता हूँ कि जब भी आपके पास टाइम कम हो और आपको नई स्ट्रैटेजी बनानी हो, आप कुछ मत करो, आप एक टॉपिक एक दिन क्वांट में पकड़ो और उस चीज़ को फॉलो करो। तो आज से लग जाओ एक टॉपिक एक दिन क्वांट के मीन्स के टॉपिक्स ख़त्म करो, चाहे वो क्या कहते हैं मतलब अर्थमेटिक के, ठीक है, और उसमें ही डीआई इंक्लूड करो, और उसमें ही आप क्या कहते हैं नंबर सीरीज इंक्लूड करो, क्योंकि देखो ये सब चीज़ें तो आनी है, डीआई हुआ और नंबर सीरीज हुआ और अर्थमेटिक हुआ, सब चीज़ें आनी है। तो लेकिन सबको कवर करना 10 दिन में, इस हिसाब से देखना कि डीआई भी कवर हो जाए आपका, अर्थमेटिक का पोर्शन भी कवर हो जाए, और आपकी स्पीड मैथ्स भी कवर हो जाए थोड़ा बहुत। ठीक है, स्पीड मैथ्स के लिए 1 दिन रख लो, काफ़ी है। तो अब उसमें क्या करना, जैसे आज मान लो मैंने प्रॉफिट एंड लॉस का टॉपिक चूज़ करा, तो प्रॉफिट एंड लॉस के जितने मेंस के सवाल हैं, चाहे वो 20-30-40 सवाल हैं, उनकी प्रैक्टिस करो, वो इंपॉर्टेंट है, उनको प्रैक्टिस कर लो एक बारी, तो एक बारी क्या हो जाएगा उस टॉपिक पे आप गो थ्रू हो जाओगे और आपकी वो आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, साथ ही साथ आप जैसे अब मॉक दोगे, तो आप डेली एक मॉक तो दो ही, तो मैं कहता हूँ ठीक है, अब टाइम कम है तो डेली एक मॉक लगाओ, मॉक में कहीं भी चोरी मत करो, और उन मॉक में जो सवाल हैं हर एक सवाल को पूरा सॉल्व करो, छोड़ो मत किसी भी सवाल को, चाहे आपको मतलब चाहे उसको वापस क्या कहते हैं, कहते हैं ना मॉक को आप एनालाइज कर दो, तब प्रैक्टिस करो, या पहले जब कर लिया आपने सवाल, जैसे मर्जी करो, लेकिन उन सवाल को ज़रूर सॉल्व करो, वो सवाल इंपॉर्टेंट है मॉक वाले, क्योंकि मॉक जो होता है लेटेस्ट पैटर्न पे होता है, और अगर आप उनको सॉल्व करोगे तो आपकी डेफिनेटली काफ़ी हेल्प करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ है उसमें। अब बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग अच्छी खासी मुश्किल आती है, इतना नहीं कि बहुत मुश्किल आती है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू आरआरबीपीओ मेंस थोड़ी सी मुश्किल साइड पे आती है, तो हो सकता है आपको पेपर में थोड़ा सा मुश्किल लगे, इसलिए उसके लिए पहले से प्रिपेयर होकर जाओ कि आपका जो ज़्यादातर नंबर लेकर आने वाली चीज़ें वो लेकर आना मिसलेनियस क्वेश्चन, तो उस पर काम करो, उसका एक बार रिविजन कर लो। ठीक है, प्लस एक बार मेरे कहने से प्लीज़ एक बार लॉजिकल रीजनिंग ज़रूर पढ़ के जाओ, कुछ कुछ क्वेश्चन 5-5, 10-10 क्वेश्चन हर एक टॉपिक के प्रैक्टिस कर लो, ताकि आपको आइडिया हो कि भाई इस तरह क्वेश्चन किस तरह सॉल्व होते हैं। ठीक है, पेपर में आए 7 में से 2-3 भी कर लोगे तो काफ़ी हो जाएंगे, और 2-3 क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, मान लो मेरी बात, 2-3 क्वेश्चन आसान होते हैं और वो आप कर लोगे इसलिए। ठीक है,
पजल्स की बात है, पजल्स तो डेली बनाते रहो, जो आपकी क्या कहते हैं मॉक्स में बन रहे हैं, प्लस दो तीन पजल एक्स्ट्रा भी बना सकते हो आप डेली डेली, ठीक है। लेकिन मिसलेनियस पे और लॉजिकल रीजनिंग पे थोड़ा ध्यान दो, और पजल्स जो आपकी मॉक्स में बनती है वो इनफ है, लेकिन उसके अलावा भी अगर आपको बनानी है तो एक दो पजल आप ऐड कर सकते हो अपनी इसमें शेड्यूल में, ठीक है। लेकिन जो मॉक्स में आपके पजल्स होती हैं, चाहे वो आपसे बने ना बने, मतलब बाद में ज़रूर बनाना, एनालाइज करते टाइम उसको अच्छे से बनाओ मॉक्स को, वो चार पाँच पजल्स डेली के बन जाएंगे तो भी इनफ आपकी प्रैक्टिस के लिए, ठीक है जी। अब बात करते हैं इंग्लिश के, इंग्लिश आप पढ़ते ही आ रहे हो काफ़ी टाइम से बचपन से, लेकिन अब पेपर में क्या होता है कि आप घबरा जाते हो, चीज़ें गलत हो जाती है, और ऐसे टाइम पे इंग्लिश की कुछ अलग स्ट्रैटेजी नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ मैं सिंपल सी बात बोलता हूँ कि दो तीन दिन में एक बार ग्रामर रिवाइज करो, प्लस डेली रीडिंग करो एक दो पैराग्राफ, प्लस मॉक्स लगाओ जितने ज़्यादा लगा सकते हो, सेक्शनल मॉक्स लगाओ दो लगा लो, इंग्लिश के सेक्शन मॉक अगर लगा सकते हो आप, मॉक अलग लगाना है, सेक्शनल मॉक दो लगा लो काफ़ी हो जाएंगे, इतना इनफ है। लेकिन जब आप सेक्शनल मॉक लगाते हो उनको एनालाइज ज़रूर करें, उनमें जो गलतियाँ उनको समझें कि अच्छा ये गलती है यहाँ पे, इसका मतलब ये रूल होता है, और इस रूल को मैं आगे जब आएगा तो उसको यूज़ करूँगा और वो मेरे लिए हेल्पफुल रहेगा, ठीक है जी। तो यही बातें थी मेन IPS क्लर्क मेंस के लिए, और आई होप आप सबका पेपर अच्छा जाए। हाँ, RIVPO के इंटरव्यू के लिए मैं कल वीडियो डाल दूंगा मोस्ट प्रॉब्ली, अगर मैं बना पाया तो कल ही डालूंगा, और जल्दी इस बारे में बात करेंगे और काफ़ी अच्छे से तैयारी करेंगे उस चीज़ की, और मेरे साथ जुड़े रहें इसी चीज़ के लिए। थैंक यू सो मच, वीडियो में इतना ही काफ़ी है, फिर मेरे वीडियो ऑल द बेस्ट, बाय, तैयारी करते रहिए, बाय।